राकेश प्रजापति हैं उमरिया से। राकेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। मैम मेरे पास हुडको है, 55 से है, 55.50 से है। मैंने 1500 शेयर लिए एक्चुअल में उस टाइम, मतलब एक न्यूज़ आई थी उस बेसिस पे, न्यूज़ बेसिस पे ले लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो अभी क्या करूँ उसके लिए। और एक ऑन है मेरे पास 51 से है, 2000 शेयर है कम से। और एक PSC है मेरे पास 130 से है, 200 शेयर है। तो इरकॉन और हुडको दो पर आपको कमेंट दिलवा देते हैं। इरकॉन में आपका खरीदारी का भाव है 50 रुपये का, 47 रुपये के आसपास ये बंद हुआ है। हुडको में 55 रुपये 50 पैसे की खरीदारी है और ये शेयर क्लोज हुआ है आज 52 रुपये के आसपास। तो दोनों आपके खरीदारी के भाव से थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए दिखे हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु दोनों ही शेयर्स में, हुडको पर स्पेशली, क्योंकि अगर आप पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स देखें तो वो भी डिसेंट थे, उसके बावजूद भी स्टॉक में मोमेंटम दिखा नहीं था। तो ये अपने हिसाब से ही चलता है स्टॉक, और हालांकि कंपनी के बिजनेस में तो कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आपका सजेशन क्या रहेगा हुडको और इरकॉन दोनों पर? बिल्कुल दीपाली जी, हुडको में मेरा ऐसा मानना है कि चार्ट स्ट्रक्चर जो है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो पॉजिटिव है। इनकी जो खरीदारी है एक्चुअली वो बिल्कुल एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन के पास इन्होंने खरीदारी कर ली है, और जिसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में करेक्शन आते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर बना रहा जा सकता है। 49-50 अच्छे सपोर्ट जोन है, उन लेवल के नीचे की क्लोजिंग बेसिस पर अगर चाहें तो स्टॉप लॉस लगा करके पोजिशन में बने रह सकते हैं। और अगर यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि 50 रुपये के आसपास पोजिशन को थोड़ा और ऐड भी किया जा सकता है। अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि 55-56 रुपये का एक पहला रेजिस्टेंस है, स्टॉक जैसे ही उस लेवल के पार जाएगा 62 और फिर 68 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले समय में दिखा सकता है। जहाँ तक दीपाली जी इरकॉन की बात है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल शॉर्ट टर्म में बहुत ही साइडवेज म्यूटेड सा एक प्राइस एक्शन है। नियर टर्म में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई एक अच्छा एक्शन, कोई उतार चढ़ाव बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग टर्म के नजरिए से 44 रुपये के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजिशन में बने रहें। जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन मोड में है, लेकिन आने वाले समय में अपसाइड की गुंजाइश है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अपने जो 54 रुपये के ऑल टाइम हाईज है उसके ऊपर निकलने की कोशिश करें। तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स, स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए और बने रहिए इन स्टॉक्स में। हरिवंदन है हमारे साथ सूरत से। हरिवंदन जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ मेरा, मैंने BAML लिया है 1370 में 20 शेयर। अब मैं क्या करूँ? 1370 में 100 दिन पहले लिया था। ठीक है, तो 137 की नहीं बल्कि 1370 की बाएंगे। इनफैक्ट 137 देख के तो मुझे लगा कि शायद 2014-15 के आसपास की इनकी खरीदारी होगी, बट ये 10 दिन पहले की बाएंगे, 1317 का परचेजिंग प्राइस है। क्या करना चाहिए हिमांशु इस स्टॉक में? BEML इनके भाव से थोड़ा सा नीचे है ये स्टॉक, डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है, रख ले थोड़ा, और क्या सजेशन होगा? बिल्कुल दीपाली जी, यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात कि स्टॉक अच्छा है, अपसाइड दिखती है, और टारगेट 1800 रुपये तक के टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर मीडियम टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरी बात, क्या ये मूव इमीडिएट आती हुई नजर आएगी? मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, शायद यहाँ पर थोड़ा समय इनको देना पड़ेगा। 1200 और 1400 की जोन में यहाँ पर एक मुझे कंसोलिडेशन दिखाई पड़ता है, जो कि आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन उभरती हुई नजर आए, लेकिन इवेंचुअली सेटअप पॉजिटिव है, और क्योंकि इनके पास बहुत छोटी क्वांटिटी है तो चाहे तो गिरावट पर 1200 रुपये के आसपास या 1150-1200 की जोन में यहाँ पर पोजीशन को ऐड करें। 1800 रुपये के टारगेट्स के लिए होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं। जुगल है हमारे साथ मुंबई से। जुगल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ गुड इवनिंग मैम, मैंने 683 में 100 शेयर कैपिटल पॉइंट के बाय किए हुए हैं, तो मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या टारगेट रखना चाहिए उसके लिए? व्यू आपका शॉर्ट टर्म है कैपिटल पॉइंट पे, और आपने जो बाइंग प्राइस बताया है इस स्टॉक में वो आपका है 683 का, राइट? यस। ठीक है, पूछ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु कैपलिन पॉइंट इनकी जो खरीदारी है वो है 683 की, और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो 689 के आसपास बंद हुआ है ये शेयर, तो चला भी काफी है ये स्टॉक।
लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी ये ऑलरेडी खबरों में है अपने ऑन्कोलॉजी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की इनकी प्लानिंग है. यूएस बिजनेस ग्रोथ ही काफी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं अगले कुछ सालों में, तो क्या होल्ड कर लेना चाहिए? जैसा कि उन्होंने बताया चलिए लग रहा है हिमांशु से बातचीत नहीं हो पा रही है. हिमांशु से बातचीत करेंगे और उनका आउटलुक लेंगे कैपलिन पॉइंट पर. हालांकि स्टॉक के बारे में आपको बता दें कि ये न्यूज़ फ्लो में रहा है और अपने ऑन्कोलॉजी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रहे हैं और हाल ही में मैनेजमेंट की ओर से कुछ कॉमेंट्स भी आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने US रेवेन्यूज़ को ग्रो होता हुआ देख रहे हैं और बाई 2026 $100 million तक वे US रेवेन्यूज़ अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना पहुंच पाएंगे. हिमांशु, कैपलिन पॉइंट पर आप बात कर रहे थे, इंजेक्टेबल बिजनेस में है कंपनी कम्प्लीटली, और क्या सजेशन रहेगा इनके लिए स्टॉक पर? देखिए दीपाली जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा रनअप जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी सेटअप काफी पॉजिटिव है. अगर बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पर ₹675 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन में बने रहें. 725 और ₹745 तक के टारगेट्स नियर टर्म में आते हुए नजर आ सकते हैं. पोजिशनल नजरिए से यहाँ पर 650 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह है. सेटअप पॉजिटिव है, मुझे लगता है आने वाले समय में नए हाइज बनते हुए नजर आएंगे. होल्ड कीजिए, रखिए इस स्टॉक को. पीके शर्मा ने एक सवाल भेजा है अलीगढ़ से फेसबुक पर. दो स्टॉक्स है हिमांशु इनके पास, एक तो है रेडिंगटन, यहाँ पर 317 की इनकी बाइंग है और 75 स्टॉक्स है, तो ये तो इनको फायदा दे रहा है क्योंकि 330 के आसपास ये स्टॉक इनफैक्ट आज के सत्र में बंद हुआ है और 1:1 का बोनस शेयर का अनाउंसमेंट भी महज एक हफ्ते पहले कंपनी की ओर से हुआ था इस स्टॉक में. और दूसरा है CESC, यहाँ पर 780 का परचेजिंग प्राइस है, 70 स्टॉक्स है. जी, रेडिंगटन में बने रहने की सलाह है, अच्छा चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. अगर चाहें तो ₹290 के नीचे का एक स्टॉप लॉस पोजिशनल परस्पेक्टिव से यहां पर लगा सकते हैं. मुझे लगता है आने वाले दिनों में और ऊपर के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं. साथ ही साथ CESC की बात करें दिवाली की, तो यहां पर आपके सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया. स्टॉक ने ₹800 के ऊपर जो अपना एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर आज एक ब्रेकआउट दिया है. मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट स्टॉक को और ऊपर की तरफ देके जाएगा. ₹815-820 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें, आने वाले दिनों में ₹900 के ऊपर के टारगेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, सत्यम झा है हमारे साथ मधुबनी बिहार से. सत्यम जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन. सत्यम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज. चलिए, लग रहा है उन तक ऑडियो नहीं जा रही है. दो स्टॉक्स माना हिमांशु, इन्होंने जो डिटेल्स हमें भेजी उसके बेसिस पे आपको मैं बता दूं. ओसवाल केमिकल ₹32.75 की इनकी बाइंग है. आमतौर पर स्टॉक की चर्चा भी कम होती है, शायद सिर्फ NSE पे है ये स्टॉक. और दूसरा है माइंडट्री, यहाँ पर 2559 की इनकी खरीदारी है. तो पहले तो माइंडट्री पर दीजिए अपना व्यू, क्योंकि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो कल फोकस में रहेगा अर्निंग्स की वजह से भी, और जो नंबर्स आए हैं वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं, फिर चाहे वो डॉलर रेवेन्यूज हो, रुपी रेवेन्यू हो, या फिर मार्जिन से क्यों ना हो. क्या सजेशन रहेगा माइंडट्री में? दीपाली जी, देखिए रिजल्ट्स के चलते अगर कोई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है स्टॉक में, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि अच्छे नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक में वो जो तेजी है वो प्राइसिंग हुई हुई होती है, और स्पेशली IT स्टॉक्स जो कि अपने ऑल टाइम हाईज के पास काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर स्टॉक में किसी तरह की गिरावट मिलती है, ₹2400 के आसपास कोई डिप मिलता है, तो वो मुझे लगता है कि अच्छे एंट्री के लेवल्स हैं. फिलहाल अगर इनको पोजिशनल परस्पेक्टिव से स्टॉक में खरीदारी की है तो यहाँ पर बने रहें. सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इस वॉलेटिलिटी के बाद भी यहाँ पर हायर लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे. दीपाली जी, बात में आपने ओसवाल केमिकल की बात की, तो अगर मैं सही स्टॉक आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ तो 18-18.5 का आज का क्लोज है. मेरा ऐसा मानना है कि ₹19 के ऊपर. नहीं नहीं, ओसवाल आपको ये BSE NSE दोनों पर है. बिंदल एग्रो के नाम से आपको ये मिलेगा. ओसवाल ग्रीन टेक के नाम से है BSE पर और ओसवाल केमिकल के नाम से NSE पर है, पर बिंदल एग्रो अगर आप डाल के देखेंगे तो आपको मिलेगा. 6% ऊपर बंद हुआ है ये स्टॉक आज और ₹34.35 का क्लोज है. बिल्कुल दीपाली जी, मैं इसको देख पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल बने रहें. स्टॉक में एक अच्छा रनअप लोअर लेवल से भी देखने को मिला है.
इनफैक्ट 25-26 रुपए के बाद यहाँ पर एक फ्रेश अपमूव का ब्रेकआउट आया और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तेजी आज के सेशन में बनती हुई नजर आई ये आने वाले दिनों में भी एक्सटेंड हो सकती है। 42 से 43 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है और 43 रुपीज के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। होल्ड कर लीजिए इस स्टॉक को, 40 प्लस के लेवल्स मिले तो वहां आप मुनाफा ले सकते हैं। फेसबुक के जरिए विकास पटेल ने सवाल भेजा है, TV18 ब्रॉडकास्ट पर 1000 शेयर्स 44 का बाइंग प्राइस, 41 के आसपास बंद हुआ ये स्टॉक, तो नीचे इनके भाव से क्या सजेशन रहेगा? मुझे लगता है दीपाली जी, हालांकि इनके भाव से नीचे बंद हुआ है लेकिन सेटअप और स्ट्रक्चर दोनों ही बहुत पॉजिटिव है। सपोर्ट है मुझे लगता है कि 40 रुपए 39 से 40 रुपए के जोन में, तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 2 दिनों के बाद यहां से वापस से खरीदारी लौटते हुए नजर आ सकती है। 38 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर पोजीशन को होल्ड करें। अपसाइड में 46-47 रुपीज का एक पहला रिवर्सल टारगेट मैं देखता हूं। 47 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक बंद होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 54 से 56 रुपए तक के टारगेट भी मीडियम टर्म में यहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, मीडियम टर्म के टारगेट्स आपको दिए गए हैं इस स्टॉक पर, तो बने रह सकते हैं। और डिस्क्लेमर भी है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेटवर्क 18 और टीवी 18 ये जो कंपनी ऑपरेट करते हैं उसके अंडर CNBC आवाज़ भी आता है, तो लेकिन व्यू आपको जो हिमांशु को की ओर से मिला है वो इंडिविजुअल बेसिस पे है, ये उनकी राय है। गौरव है हमारे साथ अब गोरखपुर से। गौरव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम एक्चुअली मैंने IDBI बैंक के शेयर्स 39.1 पे लिया हुआ था 700 शेयर्स, लेकिन अच्छी न्यूज आने के बाद भी वो शेयर्स कुछ मूव नहीं दिखाती है। हेलो, ठीक है, IDBI बैंक 38 रुपए की इनकी खरीदारी है और अगर आप देखेंगे हिमांशु तो इनके खरीदारी के भाव के आसपास ही इनफैक्ट ये बंद है। 38.50 रुपए की इनकी क्लोजिंग है आज की। क्या करना चाहिए इनको इस स्टॉक में? खबरें तो काफ़ी सारी रही हैं, दो दिन पहले भी हमने देखा था कि जो लीगल एडवाइजर्स की नियुक्ति है वो की गई है ताकि वो IDBI बैंक के सेल को मैनेज कर सके, लेकिन अब शायद ये स्टॉक तभी चलेगा जब कुछ कॉन्क्रीट डेवलपमेंट होगी, जब बायर्स कौन होंगे, किस प्राइस पर डील होती है, वो तमाम डिटेल्स आएंगी, तब तक शायद ये उतना एक्शन ना दिखाए। क्या करना चाहिए, रख लें थोड़ा सा और या निकल जाएं? बिल्कुल दीपाली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि जब तक कोई कॉन्क्रीट यहाँ पर आउटकम नहीं निकल के आता, काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी जो है वो स्टॉक ने प्राइसिंग की हुई है, तो अगर सिर्फ ट्रेडिंग के नज़रिए से आपने ये स्टॉक लिया है तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो डाउन साइड जो लिमिटेड जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत ही कम है। 37 रुपए का 1 रुपए का 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप करंट आज की क्लोजिंग के भाव से और यहां पर होल्ड कर सकते हैं पोजिशनल नजरिए से। 40 रुपए के ऊपर जब भी ये स्टॉक निकलेगा मुझे लगता है तब यहां पर फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और उस कंडीशन में 44 से 46 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है इस स्टॉक पर। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे। आप देख रहे हैं कलका बाजार, हमारे साथ हिमांशु गुप्ता बने हुए आपके तमाम क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और एक सवाल हमें भेजा है महेश ने फेसबुक के जरिए, सवाल है इनका थॉमस कुक पर और जिनका परचेजिंग प्राइस है हिमांशु वो 65 रुपये का है, 64-70 पर बंद हुआ है, 100 स्टॉक्स है, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, फिलहाल यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर दिखा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 74 से 75 रुपीज तक के टारगेट की अपसाइड पोटेंशियल है इन शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पर बने रहें। मुझे लगता है कि यहाँ पर 62 रुपीज के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, अगले कॉलर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शक्तिकांत है दीसा गुजरात से। शक्तिकांत जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। साउथ इंडियन बैंक का मैंने 1000 शेयर लिया है 21 रुपये में। 21 रुपये की आपकी बाइंग है, ठीक है, तो नुकसान तो काफी हो रहा है आपको, 12 रुपये के आसपास ये स्टॉक हुआ है बंद। पूछ लेते हैं एक क्विक कमेंट है, मानशु आपका क्या रहेगा साउथ इंडियन बैंक पर 21 रुपये की बाइंग है? दीपाली जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको इस स्टॉक से करंट लेवल्स पर एग्जिट कर लेना चाहिए। 13.5-14 रुपये बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल और रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मेरा मानना है कि स्टॉक शायद जल्दी से ना निकाले और यहां से एग्जिट करके अगर फाइनेंशियल्स या बैंकिंग स्पेस में ही अगर ये चाहें तो IDFC फर्स्ट बैंक एक बेटर विकल्प है जहां पर ये स्विच कर सकते हैं। ओके,
अगला सवाल ले लेते हैं और फेसबुक के जरिए देवेंद्र राठी ने एक सवाल भेजा है BEL पर 100 स्टॉक्स है इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 110 का, क्या सजेशन रहेगा BEL में 110 के प्राइस के साथ मुनाफे की पोजीशन। दीपाली जी मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर एटलीस्ट अपना पार्ट प्रॉफिट को बुक करें क्योंकि स्टॉक एक अच्छा रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल की रिटर्निंग यानी कि रेजिस्टेंस लाइन पर है जो कि एक मीडियम टर्म ट्रेंड की एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक आने वाले दिनों में थोड़ा सा एक करेक्शन या कंसोलिडेशन दिखा सकता है और 165-170 रुपए तक के लेवल्स यहां पर देखने को नजर आ सकते हैं। तो क्योंकि इनकी खरीदारी का भाव काफी नीचे है तो मेरी सलाह रहेगी कि यहां पर एटलीस्ट अपना पार्ट प्रॉफिट बुक करें और 165-170 के लेवल्स पर वापस से री एंट्री की जा सकती है। ठीक है, अगला सवाल पूछने के लिए शैलेश प्रजापति हमारे साथ फोन लाइन पर उदयपुर से। शैलेश जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मैंने AB फैशन RI से रिलेटेड स्टॉक लिया है 200 क्वांटिटी 224 रुपए के भाव से, और शॉर्ट टर्म क्या टारगेट हो सकता है? 224 का आपका बाइंग प्राइस है, पूछ लेते हैं। आज तो ये स्टॉक काफी एक्शन में था हिमांशु, क्या सजेशन रहेगा आदित्य बिरला फैशन पर 224 की बाइंग है? पाली जी यहाँ पर बने रहने की सलाह है, बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट आज के सेशन में यहाँ पर नजर आया, तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर 222 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशन को होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 232-234 रुपए का एक साइकोलॉजिकल अगर हर्डल पार करता है तो आने वाले दिनों में 260-270 रुपए तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक दिखा सकता है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, तो होल्ड कीजिए आप इस स्टॉक को। अगला सवाल फेसबुक के जरिए विश्वनाथ कुंडू ने भेजा है, पिडिलाइट और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोनों का बाइंग प्राइस नोट कर दीजिए हिमांशु, 2125 है पिडिलाइट में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 118 की बाइंग, और व्यू है इनका सिर्फ एक मंथ का, तो क्या करें वन मंथ के पर्सपेक्टिव से? 2220 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पिडिलाइट को होल्ड करें, स्टॉक ऑल टाइम हाईस के पास काम कर रहा है, अच्छा ट्रेंड है, एक मंथ में इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें और 2300 रुपए के ऊपर जब भी स्टॉक निकले अपना मुनाफा बांध सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यहां पर दीपाली जी बने रहने की सलाह रहेगी, स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट लिया है 105-106 रुपए के लेवल से, 106 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें, 117-118 रुपए का पहला टारगेट यहां पर आते हुए नजर आ सकता है, और अगर उसके ऊपर स्टॉक निकलता है तो यहां पर 125 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं जहां पर ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करते हैं, कुंदन सिंह है लखनऊ से। कुंदन जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी मैम नमस्कार, मैम मेरे पास HPCL का शेयर है 273 के प्राइस पे, और मैम टाटा पावर के शेयर है 174.57 के प्राइस पे, तो मैम मुझे क्या करना चाहिए? ठीक, तो टाटा पावर आपका 125 की बाइंग मान लेते हैं और 273 की बाइंग HPCL है, पूछ लेते हैं हिमांशु का क्या सजेशन रहेगा। हिमांशु बताइए दोनों स्टॉक्स में क्या करना है इनको? दीपाली जी HPCL को होल्ड करना है, 260 रुपए का अगर चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इस ब्रेकआउट इस रेंज का जो कि 280 और 265 रुपए में रेंज बनती हुई नजर आ रही है इसका एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आएगा और स्टॉक 330-350 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर दिखाने का पोटेंशियल रखता है। टाटा पावर्स में पावर में पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का माहौल बना हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि 120 रुपए पर एक अच्छा सपोर्ट है, तो 120 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें, 126-126.50 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तब यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड कर दीजिए, लेवल्स पर कीजिए गौर जो हिमांशु ने किए हैं मेंशन। शो को समेटने का टाइम है, हिमांशु कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? जी दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में भी हमने चर्चा करी हमारा या हमारे क्लाइंट्स का उनमें निवेश हो सकता है।